तुम्हें क्यों आपत्ति होने लगी भेष? तुम एक नपुंसक जो ठहरे। शिशुपाल, तुम्हारे 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया है मैंने तुम्हारी माता को। दुष्ट दूसरे पुरुषों की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने वाले लंपट हो तुम। मौन हो जाओ शिशुपाल, अपने अपराध की मार पर ऐसे अंध भी मत बनो कि अपने अपराधों की गिनती भी भूल जाओ। सखी कहते हो ना तुम उसे? भला एक विवाहित स्त्री किसी पुरुष की सखी किस प्रकार हो सकती है? पिटने का है उसके मरने वाले लोग आ गए होंगे। चक्र आ गया। यो व्हाट्स अप एवरीवन, वेलकम टू मोस्ट मस्ती YouTube चैनल। वेलकम टू 6TV एंड गाइस वेलकम बैक टू अनदर रिएक्शन वीडियो। तो गाइस आज की वीडियो का टाइटल तो आपने पढ़ ही रखा है। आज की वीडियो होने वाली है कृष्णा ने जब वध करा था शिशुपाल का। हाँ। तो मम्मी इन्होंने टाइटल देख रखा है, आपको मैं बता चुका हूँ आज की वीडियो क्या होने वाली है। गाइस मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि कृष्ण जी ने सारे वध भी करे हुए अपने चक्र से। कौन सा चक्र था? सुदर्शन चक्र से। थोड़ा भाई कंफ्यूज हुआ तुम बोलने में, थोड़ा नाम ऐसा है ना, थोड़ा मुश्किल था। तो जो भी है गाइस जल्द से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी गाइस इफ यू आर न्यू टू चैनल देन नीचे जाके जल्दी सब्सक्राइब कर दो। मम्मी ज्यादा बातें अभी नहीं करते, वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं एंड देन गाइस आपसे हम बात करते हैं। एंड ओके गाइस एंड वेलकम टू माय लैपटॉप। ये भी मेरी वीडियो, इसको मैं करता हूं फुल स्क्रीन। अच्छा यही होगा शिशुपाल पता नहीं, बट करते हैं गाइस अब इस वीडियो को स्टार्ट। अपने आप को आर्यवर्त का सबसे शक्तिशाली मनुष्य सिद्ध करने के लिए इस प्रपंची कृष्ण ने छल रचा। क्या महारथियों के महारथी भीष्म का सम्मान नहीं हो सकता था? फिर इस कृष्ण का सम्मान क्यों? शिशुपाल, वासुदेव को पथमार्ग प्राप्त हो इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं। तुम्हें क्यों आपत्ति होने लगी भीष्म? तुम एक नपुंसक जो ठहरे। अपने राजकुमारों के लिए कन्याएं चुराने तक का कार्य किया है तुमने। शिशुपाल, तुम्हारे 100 अपराधों को क्षमा करने का वचन दिया है मैंने तुम्हारी माता को, और यहाँ पर आने से पूर्व भी तुमने कम अपराध नहीं किए। मौन रहो दुष्ट दूसरे पुरुषों की पत्नी को अपनी पत्नी बनाने वाले लंपट हो तुम। का सुर्खी 16,000 पत्नियों को अपनी पत्नी बना डाला। तुम्हारे लंपटपन के विषय में यहाँ पर सब जानते हैं। राधा का विवाह अयन यादव के साथ हुआ था, फिर भी तुमने उस भोली भाली कन्या को अपने मोह पाश में लपेट डाला। भूल गए तुम तो जगत के सबसे बड़े अनाचारी हो कृष्ण। मौन हो जाओ शिशुपाल, अपने अपराध की मार्ग पर ऐसे अंध भी मत बनो कि अपने अपराधों की गिनती भी भूल जाओ। मैं भली भांति जानता हूँ भ्राता श्री कृष्ण कि मैं क्या कर रहा हूँ। अवश्य द्रुपद कन्या पांचाली ने अपने नपुंसक पतियों से कहा होगा कि सबसे बड़ा सम्मान तुम्हें मिलना चाहिए। सखी कहते हो ना तुम उसे? भला एक विवाहित स्त्री किसी पुरुष की सखी किस प्रकार हो सकती है? हम सब जानते हैं क्या संबंध है तुम्हारे और इसके पिटने का है उसके मरने वाले लोग आ गए होंगे। चक्कर आ गया। तो इसके पिटने वाले काम। मौन होने का समय आ गया शिशुपाल। तुम्हारी आत्मा का कल्याण हो। भ्रत युधिष्ठिर, दंड कभी अपराध से अधिक नहीं हो सकता है। वास्तव में दंड सदा ही अपराध से मात्रा में कम होता है। अपमान का दंड अपमान हो सकता है, मृत्यु दंड किस प्रकार दिया जा सकता है? पाप और अपराध का एक विष चक्र होता है युवराज। अपराधी को यदि अपराध करने से ना रोका जाए तो वो अधिक से अधिक अपराध करता चला जाता है। अपनी आत्मा को अधिक से अधिक दरिद्र करता चला जाता है। उसे स्वयं पर अंकुश नहीं होता। अपराध का कारण ना होते हुए भी वो अपराध से छूट नहीं पाता। जिस प्रकार मिट्टी खाने वाले बालक को बलपूर्वक मिट्टी खाने से रोकना पड़ता है, वैसे अपराधी को भी उसके अपराध करने से रोकना अनिवार्य है। वो दंड नहीं है युवराज, दया है। और आप शिशुपाल की व्यर्थ चिंता मत कीजिए, वो तो केवल अपने विष चक्र से छूट। अच्छा
वीडियो बस इतनी थी, एक ज्यादा कुछ बड़ा सीन था नहीं है। तो गाइस अभी हमने एक वीडियो देखी, अम्मी शिशुपाल ने और अमीर किशन जी ने शिशुपाल का वध कराया है, तो मतलब अपने चक्र से यार। तो मेरे हिसाब से किशन जी जब ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं तब ये चक्र यूज होता है उनका, मतलब पूरी वेट करते हैं कि मैं ना पहले मना कर देता हूँ यार, मतलब मैं यूज नहीं करूंगा इसका, जब तक एक बोन हो जाती है लिमिट क्रॉस हो जाती है तब तो उनका चक्र ही निकलता है। गाइस आपने वीडियो में देखा शिशुपाल, मतलब मेरे को डाउट है गाइस आप सबसे भी, एंड मैं आपसे पूछता हूँ, मतलब जो शिशुपाल था इनका कृष्ण जी से, मतलब हाँ। क्या लिंक क्या था, मतलब कनेक्शन ये था कि पहले शिशुपाल का इनके रुक्मणी से विवाह तय हो गया। अच्छा शादी क्यों नहीं हुई इसकी, शिशुपाल क्यों नहीं हुई? ओके, तो कृष्ण जी को जब पता चलता है तो कृष्ण जी वहाँ जाते हैं और हरण कर लेते हैं। अच्छा ओके, किशन जी की ऐसी शादी होती है शायद, जब वो रुक्मणी की जब उनकी जो वाइफ है उनकी शादी ऐसी होती है, उनको किडनैप कर लेते हैं, मतलब भगा के ले जाते हैं, ऐसा कुछ सीन था मेरे को पता है इसके बारे में, किडनैप करके ले जाते हैं और वो शिशुपाल इसी वजह से उनसे गुस्सा था। अच्छा तो मतलब आज ये कह रही हो कि शिशुपाल और रुक्मणी की पहले शादी होने वाली थी, ओके ओके, तो इसी रीजन से वो चिढ़ते हैं किशन जी से। चलो गाइज शायद आप भी कमेंट करके बताना गाइज आपको क्या लगता है, बाकी मेरे को हमें तो यही पता है शायद, तो मतलब मम्मी वैसे जुए शायद यहाँ पे कुछ गिन भी रहते हैं, पंख था या क्या था, पंख होता है या कुछ, तो शायद कुछ शिशुपाल को ना कुछ एक वरदान या कुछ ऐसा था जो कि किशन जी उनको तब तक ही मार सकते, या फिर या ऐसा कुछ थे 100 गलतियां तो उनकी माफ करनी थी, ऐसा कुछ सीन था शिशुपाल का जितना मेरे को पता है ना। शिशुपाल की जो माँ थी उन्होंने उनको कहा था कृष्ण जी से कि इनके इसके मेरे बेटे के 100 अपराध माफ कर देना, जो तुम्हें 100 गलतियां माफ कर देना। ओके ओके, देखो मैं ढूंढ रहा था कुछ, तो शायद वो कुछ चीज फेंकता था, हो सकता है वो उसकी हाँ वो कुछ ऐसी चीज फेंकता था जिससे उसकी गलतियां काउंट होती थी, बट वो इतना ज्यादा उसमें आ गया था वो कुछ बोले जा रहे हैं तो वो भूल ही गया, और किशन जी भी वेट कर रहे थे जैसे खत्म होगा तब इसकी मैं बैंड बजाऊंगा, और भाई उसके खत्म हो गए एंड किशन जी ने निकल दिया चक्कर, और भाई गर्दनी काट दिया मम्मी, तो भाई जब भी चक्कर निकलता समझ लो भाई सामने भाई जिसके लिए निकला है वो बच नहीं सकता है। और आपने देखा बाकी में उसका, देखा दुर्योधन कैसे कह रहा है कि मतलब इस अपराध का मार कैसे सकते हो, मृत्यु नहीं दे सकते, मतलब फुल सेव कर रहा है मतलब गलत चीज को भी, क्योंकि वो उसके सपोर्ट में था ना। हाँ वो सब नेगेटिव एक साइड ही होते हैं, पर किशन जी ने भी एंड में अच्छी बात बोली है कि भाई अगर गलती वाले को एक सही टाइम पे नहीं रोका जाए ना तो अपराध बढ़ते रहते हैं, तो बढ़ता ही जाएगा, और किशन जी ने रोका नहीं, किशन जी तो खत्म नहीं कर दिया, गेम ओवर ही कर दिया भाई, गर्दन सी काट दी पूरी। तो वीडियो में काफी अच्छी लगी, मतलब तो एक कट वाली वीडियो थी ये, शॉर्ट फॉर्म मतलब जैसी भी वीडियो थी, आपने वध देख लिया गया शिशुपाल का वध। एक और मम्मी ये वध कह रहे हैं पौंडरक वध है कोई, अच्छा पौंडरक वध पन ऐसे वो भी, हाँ वो भी कमेंट है मैंने पढ़ा था। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, एक वीडियो मेरे को भेज दो, मेरी डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी है, तो अगर आप मेरे को पौंडरक वाली जो वध वाली वीडियो प्लीज मेरे को सेंड कर सकते हो तो प्लीज कर देना, मैं उस पर डेफिनेटली रिएक्ट करूंगा। जो भी गाइस मिलता हूँ सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड विद दैट सेड एज ऑलवेज यू नो इट गाइस, YOLO. 5. Khatam.